I think you all of you can hear me. आवाज आ रही है बेटा? थोड़ी सी अपने क्लास की टाइमिंग जरा चेंज करने की कर दी. एक तो ये कि आपके क्लास अब से ऑनवर्ड टू वर्क करी और हाफ आवर टू वर्क करी और टाइमिंग भी अच्छी से क्या रही है 30 की हम चलेगी 8:30 के इंशाल्लाह. खैर अभी तो कल रिजल्ट है, उसके बाद और चीजें भी देखी जाएंगी. हमारे चैप्टर चल रहा था यार, चैप्टर नंबर 5 खत्म करना है हमने, उसको बस खत्म हो चुका है. उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी टाइप में. चैप्टर नंबर 5 हाँ जी, इंटरलॉकिंग सिस्टम पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और हमने इंटरलॉकिंग सिस्टम पढ़ लिया था. एक डिस्कशन में आपकी चीज उसमें बताया था कि फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम भी होता है, तो वही डिस्कशन रही थी. उसकी कुछ दो चार एंट्रीज हैं उसकी वाली डिस्कशन है कि फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है. मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बच्चा कह रही है आवाज बहुत स्लो आ रही है, बस बाकी सब लोग बताएं आवाज स्लो आ रही है. हाँ जी, मैं शायद ऐसा बोल रहा हूँ तो शायद इसकी आवाज तो आ रही है. अभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो धीरे धीरे. हाँ जी, अब आवाज कैसी आ रही है? अभी भी स्लो है आप लोग? कितनी कुछ स्लो आ रही है? अगर तो आप लोगों को सुनाई दे रहा तो याद चल जाएगा कहाँ. इंटरलॉकिंग सिस्टम पे हमारी डिस्कशन थी और फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम पे थी कि फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता. स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की, बड़ा स्क्रीन सबको नजर आ रही है? चले फाइन. लेकिन डिस्कशन अब हमारी स्टार्ट हो रही है. आज पहले तो मुझे ये बताया, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें कोई इशू? हमने डिस्कशन की थी उसमें क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, वही स्टडी टेक्स्ट कर देखिएगा उसमें कोई मसला, किसी एंट्री में मसला, किसी चीज में मसला. कोई मसला नहीं कि पढ़ाई नहीं है भाई. जब आप बिल्कुल ना पढ़े, स्टडी ना करें, किताब ना खोलें तो मसला वाकई नहीं रहता यार. ये देख लीजिएगा पढ़ा है कि नहीं आपने. अच्छा जी, हाँ सेम एग्जांपल थी यार, कोई फर्क नहीं था, बस एक दो एंट्रीज का फर्क था, बाकी सब वही था यार. क्या ख्याल है? तो रिजल्ट की दुआएं फिर खूब चल रही होंगी मेरा ख्याल है. कुछ लोग अभी आए नहीं है, ज्वाइन नहीं किया, वो सोच रहे शायद रात को लेट सो रहे होंगे, सारी रात दुआएं कर रहे होंगे इसलिए आए नहीं शायद. क्या ख्याल? अच्छा जी, तो हम चलते हैं फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ. हाँ जी, क्या आप क्या समझते हैं फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है? अगर आपने गो थ्रू किया है तो फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? पहले तुम्हें ये बताया ना, इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम में कहां पे जाके आपने एंट्रीज का डिफरेंस फील किया? उसमें कोई अकाउंट्स या एंट्रीज फर्क होती है? कुछ है माइंड में आपके?
क्या ख्याल है जनाब? फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, बिल्कुल बात ठीक होगी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में हेड ऑफिस और फैक्ट्री सेपरेट सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से अलग अलग अकाउंट बनाते हैं ना, वो अकाउंट के नाम बता देना जल्दी। इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो सेपरेट अकाउंट बन रहे थे, वो कौन कौन से अकाउंट? हाँ जी, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड जनरल लेजर, एग्जैक्टली बेटा, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये दो अलग अलग अकाउंट सेपरेट अकाउंट बन रहे होते हैं। फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट कहां बनता है और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहां बनता है, ये बताएं कौन बनाता है कहां बनता है जल्दी। ठीक होगी बात, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट जो बन रहा होता है वो फैक्ट्री बनता है, वेल जबकि जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है वो हेड ऑफिस बनता है, बिल्कुल बात होगी, ठीक है बात। अब फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो हेड ऑफिस की कॉस्ट होती है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ये बताएगी जरा, सब लोग इन्वॉल्व होंगे, सब लोग क्विकली रिप्लाई करें, फिर मैं आगे चलूंगा जरा, हमारे चंद बातें ही है इसके अंदर, कोई नई बात नहीं होगी। चलेंगे स्टार्ट करता हूं, मुझे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कोई, चलें स्टार्ट करता हूं, कल फिर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, फिर उसमें हमारा आई थिंक एक कब कब ऑफ है यार, ये मंडे और ट्यूसडे वेंसडे दो दिन ऑफ है ऐसे ही हमारा, राइट? ठीक हो गया, ट्यूजडे मैंने जो ऑफ है थर्सडे से फिर हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही। लेंगे जनाब, स्टार्ट करते हैं जरा। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है, मैं थोड़ी इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, फिर कुछ एंट्रियां डिस्कस करूंगा, फिर आगे चलेंगे। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में जनाब ये होता है, चीज नई नहीं है, यही चीजें चल रही होती हैं। उसमें भी क्या करते हैं, हम दो लेजर बनते हैं, एक हमारे पास बनता है जनरल लेजर, जिसे हम जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल सकते हैं,
और एक मेन चीज हमारे पास बनता है यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिस तरह से वहां पे बनता था फैक्ट्री लेजर, उसमें नाम यूज करते थे फैक्ट्री का, यहां हम नाम यूज करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी जो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट होता है जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स को लीड करता है, वो जो अकाउंट बनाता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक होगी बात। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहां बन रहा होता है ना, ये कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी के इंटरनली तमाम को डील करने के लिए, फैक्ट्री को डील करने के लिए। फर्क ये है कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में जैसे फिनिश गुड्स तक अकाउंट्स बनाते थे, प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते थे हम, कहते जैसे इसका अकाउंट बनाना सेल करना नहीं है। ये जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हम यहां पुट करेंगे, ये हमारे पास यहां पे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, यानी ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक की अमाउंट ट्रांसफर करता है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जो इवन के जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से ही आ रही होती है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, हम ये हमारे पास एक साइड एंट्री होती है, जैसे वहां पे बात करते थे यार कि हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट या इस तरह से हम बात करते उसको हम क्रेडिट कर लेते थे, या फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट की दूसरे क्रेडिट कर लिया। तो यहां पे क्या होगा, जब जो भी एंट्री पास करेंगे हम, तो सेकंड जो हेड होगा उसका वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा, यानी डायरेक्ट मटेरियल डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर इसी तरह से डायरेक्ट लेबर डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा और ये सारे रेस्पेक्टिव हेड क्या होंगे, यहाँ पे हम इस तरह से इसको अप्लाई करते जाएंगे, ट्रीट करते जाएंगे। ठीक होगी बात। ये सारे रिस्पेक्टिव हेड को हम इसी तरह ट्रीट करते जाएंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट विल बी द साइड एंट्री। अगर मैं बात करूं यहां पे, एक तो पहली बात मैंने बताया कि कॉस्ट लेजर होगा, दूसरा जनरल लेजर होगा। ठीक होगा। जनरल लेजर कौन डील करेगा, वो इसी तरह से हेड ऑफिस की तरह, यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक्सटर्नल जो डील कर रहा होता है वो डील करेगा जनरल लेजर। और कॉस्ट लेजर कौन डील करेगा, ये हमारे इंटरनली कंपनी के अंदर जितने भी अकाउंट्स बन रहे होते हैं वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ रहे होते हैं। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास ये सेम एक और इसको डस्टबिन अकाउंट भी बोलते हैं, यानी जहां जहां कोई और सेकंड अकाउंट हमें यूज करना होगा वहां वहां पे हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को यूज करते जाएंगे। यानी जहां पे नॉर्मली जैसे रॉ मटेरियल या मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। या बैंक क्रेडिट नहीं करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह हमने सेल्स की है तो सेल्स क्रेडिट की, तो रिसीवेबल्स को डेबिट नहीं करेंगे हम, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऐसे पेबल्स है, हमने परचेजेस की, परचेजेस डेबिट, तो पेबल्स को हम क्रेडिट नहीं करेंगे हम, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो दैट विल बी द साइड एंट्री, कह लो उसको आप, ये हमारी साइड एंट्री है। और ये डस्टबिन हम एक बनाते हैं, इसे डस्टबिन अकाउंट का नाम भी देता है कि दैट विल बी अवर डस्टबिन, ये हमारा डस्टबिन अकाउंट है, इसमें सारी चीजें हम डालते जा रहे होते हैं, सारी की सारी चीजें वन बाय वन हम इसके अंदर ट्रांसफर करते जा रहे होते हैं और फिर इसको हम बैलेंस करते जा रहे होते हैं। तो थोड़ा हम अगर डिस्कस कर दूं आपको, थोड़ा सा इसमें हम क्लियर कर लें और क्लियर कर लें इसमें हम, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में एक और चीज भी है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनेगा और उसमें भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर मैं थोड़ी सी एंट्रीज कर दूं आपको सबसे पहले कि क्या एंट्री होगी जब हम मटेरियल लेबर या ओवरहेड इनकर करते हैं, तो एंट्रीज क्या पास करें, इसमें थोड़ा सा पहले आइडिया सबसे पहले बिस्मिल्लाह। तो यहां मैं एंट्री पास करूंगा मटेरियल अकाउंट डेबिट, यू कह लें मटेरियल के लिए डायरेक्ट मटेरियल बेटा इसको डेबिट कर लेंगे और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको हम क्रेडिट कर देंगे मटेरियल के लिए। इसी तरह लेबर के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट लेबर को हम डेबिट कर देंगे और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको मैं क्रेडिट कराऊंगा। ठीक होगी बात। इसी तरह ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड इसको हम डेबिट कर देंगे और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इन मटेरियल अकाउंट डेबिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, लेबर अकाउंट डेबिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ओवरहेड अकाउंट डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह से हम इसकी एंट्रीज पास करते जाएंगे। तो हम रेस्पेक्टिव अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट करते जाएंगे।
और अल्टीमेटली ये सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी, WIP वर्क इन प्रोग्रेस पे। बात याद है कि वहां वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बनाते थे, वहां में कहते थे यानी फैक्ट्री लेजर के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस ही बनता था, डायरेक्ट हम उसको फिनिश गुड्स पे ट्रांसफर करते थे। तो यहां भी ये एंट्रीज करने के बाद ये सारी कॉस्ट किसमें ट्रांसफर होगी, मटीरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, ये सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी, WIP के अंदर। यानी यूं कह लें हम एंट्रीज के पास करेंगे, एंट्रीज को जरा क्लियर कर लेते हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम यहाँ पे, WIP वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट कर देंगे बेटा, WIP डेबिट डायरेक्ट मटीरियल क्रेडिट, फिर WIP डेबिट डायरेक्ट लेबर इसको हम क्रेडिट कर देंगे, फिर WIP डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ये यहाँ पे फैक्ट्री लेजर की बात कर रहा हूँ बेटा, कि फैक्ट्री लेजर बोले या इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये कौन सी एंट्री, यानी कॉस्ट लेजर के अंदर दो अकाउंट यहाँ पे बनेंगे, एक बनेगा जनरल लेजर और एक बनेगा हमारे पास कॉस्ट लेजर। तो अगर मैं ये सारी एंट्रीज मैं किसके अंदर कर रहा हूँ, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट लेजर बनाता है, तो मैं कॉस्ट लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एंट्रीज कर रहा हूँ। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज है, कॉस्ट लेजर, ये कॉस्ट लेजर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे डेबिट कर देंगे हम, और हमारे पास जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आ रहा होगा इसको हम बेटा क्रेडिट कर रहे होंगे। ठीक होगी बात यहां तक, तो ये डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट पे अल्टीमेटली सारी कॉस्ट उठा के हमें कहां शिफ्ट कर देनी है, WIP के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। यहां तक कोई मसला भी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, पता नहीं पेज क्यों खत्म हो गया, नया पेज ले लेते हैं। यहां तक कोई मसला बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सबको। अब WIP से फिर उसी तरह बेटा, WIP से कहां जाएगा, फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स से कहां प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो उसी तरह से हम यहां पे एंट्रीज करेंगे। यानी WIP से कहां जाएगा, फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे यहां पे हम, इस अकाउंट को डेबिट, और हम यहां पे हमारे पास WIP अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, कि ये सारी की सारी WIP से कॉस्ट कहां जाएगी, फिनिश गुड्स में चली जाएगी। तो WIP से हम यहां पे फिनिश गुड्स में जाएंगे, फिनिश गुड्स डेबिट, और WIP अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फिनिश गुड्स की कॉस्ट कहां जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट कर देंगे, और फिनिश गुड्स अकाउंट इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम डेबिट, ये सारी की सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी हमारे पास, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया, और फिनिश गुड्स अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जनाब। फिर वही बात हमने भी बात की कि एक्सटर्नल जहां जहां पे एंट्री होती है कैश की, पेबल्स की, रिसीवेबल्स की, वहां वहां पे हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करेंगे। अच्छा, एक बच्चा पूछा सर ये एंट्रीज सेपरेट सेपरेट, ये सारी सेपरेट सेपरेट होंगी बेटा, इंटरलॉकिंग में एक ही एंट्री की थी, WIP डेबिट और बाकी क्रेडिट। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं एक तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बना रहा हूँ, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप अलग अलग करें, क्योंकि आपकी जो स्टडी फॉर्मेट है वो जरा अलग अलग रिकमेंड करते हैं, तो आप अलग अलग एंट्रीज कर दें, कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर। अल्टीमेटली देखिए ना, अल्टीमेटली स्टेप 3 जो हुआ करता है, चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में मटीरियल लेबर ओवरहेड्स की एंट्री करते हैं, इनको डेबिट, बाकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्रेडिट। स्टेप 2 में ये तीनों कॉस्ट डाल के WIP डालते हैं, तीन एंट्री करते हैं। स्टेप 3 के अंदर जाके क्या करता हूँ, मल्टीपल WIP की सारी कॉस्ट ओवरहेड में डालता हूँ, तो ये एक एंट्री पास हो रही होती है। तो एक एंट्री भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर इज कि आप इसके सेपरेट सेपरेट एंट्रीज करें। अच्छा, हम सेल्स की बात कर लेते हैं जनाब, सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जनाब, हाँ जी बताए जरा, कैसे सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं जनाब। नॉर्मली जब हम सेल्स करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, रिसीवेबल्स को हम डेबिट करते हैं, कैश रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। यहां हम कैश रिसीवेबल्स नहीं डालेंगे, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पे हम सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको डेबिट करेंगे, और सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं। तो सेल्स क्रेडिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारे पास डेबिट आ रहा होगा, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब इसी तरह से अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या, अब ये सारी की सारी सेल्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी हमारे पास, तो फिर अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके
प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, सेल्स को मैं डेबिट कर दूंगा, कि अल्टीमेटली की सारी सेल्स कहां जाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। तो ठीक है, सेल्स को फिर हम डेबिट कर लेंगे बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फिनिश गुड्स भी जा चुकी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेल्स भी जा चुकी है, डिफरेंस जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट किससे लिंक करेगा, वो प्रॉफिट लिंक करेगा हमारे पास कॉस्ट लाइबिलिटी कंट्रोल अकाउंट से। यानी यूं कह लें कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और कॉस्ट लाइबिलिटी कंट्रोल अकाउंट इसको हम डेबिट कर लेंगे। यानी जो भी डिफरेंस होगा, जरूरी नहीं है एंट्री उल्टी भी हो सकती है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोजिंग बचेगा वो हम कुछ इस तरह से ट्रांसफर करेंगे। ठीक होगी बात बेटा। यहां तक इशू। स्टेप वन, मटेरियल लेबर ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, इन तीनों अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे, और कॉस्ट लैटरल कंट्रोल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। स्टेप वन। स्टेप टू, स्टेप टू क्या करेंगे, स्टेप टू में हम यहां पे अब ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, इन तीनों को हम क्रेडिट कर देंगे, और WIP को हम डेबिट करेंगे। WIP डेबिट, और डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट, WIP डेबिट, हमारे पास डायरेक्ट लेबर क्रेडिट, WIP डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। तो स्टेप टू में हम ये तीनों अकाउंट्स को क्रेडिट करके इसमें ट्रांसफर कर देंगे। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या करेंगे, सारी की सारी फिनिश गुड्स में आ जाएगा हमारे पास, तो फिनिश गुड्स डेबिट, WIP क्रेडिट। फिर उसी तरह हमारे पास फिनिश गुड्स के बाद ये किस में चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। सेल्स हम यहाँ पे नॉर्मली कैश टू सेल करते हैं या रिसीवेबल्स टू सेल करते हैं। रिसीवेबल्स या कैश का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज वर्ड यूज करेंगे, हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेबिट करूंगा, सेल्स को क्रेडिट करूंगा, सेल्स भी वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे, और अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो डिफरेंस निकलेगा वो भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। ये बात याद रहे कि फैक्ट्री लेजर के, ये कॉस्ट लेजर है, फैक्ट्री लेजर के अंदर हम क्या करते थे, हम वहां से नहीं तक एंट्रीज करते थे, सेल्स की एंट्रीज वहां पे नहीं करते थे। एक तो ये बात थी हमारे पास। दूसरी बात, हम वहां पे क्या करते थे, हम वहां पे कोई और एंट्रीज, हम वहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते थे, सेल्स की कोई वर्किंग नहीं होती थी, बाकी एंट्रीज नहीं हो रही होती थी। तो यहाँ ईच एंड एवरीथिंग का जो सेकंड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा, सारे के सारा वो हमारे पास कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, इसलिए इसको डस्टबिन अकाउंट भी बोलते हैं। हाँ जी बेटा, स्टेप फोर पे डेबिट हम फिनिश गुड्स और क्रेडिट हम, हाँ जी, स्टेप फोर पे जाके प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिनिश गुड्स को बेटा हम क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स को क्रेडिट। अच्छा, एक और बात भी यहां बता दूं, यहीं भी बेटा, हाँ बेटा ऐसी है, एक और बात भी बता दूं कि अगर हमारे पास अंडर या ओवर एब्जॉर्ब होता है उसकी कुछ डिटेल दी जाती है, फिर उसी तरह से अगर ओवर एब्जॉर्ब है तो हमारी इनकम है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, ओवर एब्जॉर्ब को मैं डेबिट करूंगा, अंडर एब्जॉर्ब है मेरा एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा, अंडर एब्जॉर्ब क्रेडिट होगा। तो ये जो डिफरेंस होगा वो भी हम वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। लास्ट एंट्री बेटा, मेरा कौन सी लास्ट एंट्री आपके सामने, ये क्या एंट्री, कौन सी वाली, ये हमारे पास है फिनिश गुड्स, और ये सारे के सारे WIP फिनिश गुड्स में जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस को डेबिट, प्रॉफिट लॉस को डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। हाँ जी बेटा, लास्ट एंट्री। अच्छा, ये जो मैंने बात की, तो बेटा हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे ना यहाँ पे, लाइक देखिए मैं ये टी अकाउंट बनाता हूँ, ये टी अकाउंट है, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ये टी अकाउंट है। तो हम सेल से ही स्क्वायर करेंगे, सेल्स यहाँ आ जाती है सारी, सेल्स यहाँ पे आती है, और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, फिनिश गुड्स आता है, फिनिश गुड्स यहाँ पे आती है। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगी बताए, अगर बैलेंसिंग फिगर मैं कहता हूँ यार सपोज 1,00,000 की सेल, ये वैल्यू क्या है, 1,000, ये कितना है, 800 है यार। अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है हमारे पास, इधर आ रही है, क्यों, ये ऐसा ही है, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो अल्टीमेटली जिसका इफेक्ट होगा वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकती है, जो जहां भी आएगी तो इसका जो इफेक्ट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, और वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, हम उसको कहां ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे हम उसको क्या करेंगे, यहां से हम निकाल के
सारे जो भी डिफरेंस होगा इसका वो डिफरेंस क्लोजिंग बैलेंस वो हमारे पास कॉस्ट लाइन से कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा. दैट कैन बी द प्रॉफिट, वो हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है. एंड दैट कैन ऑल्सो बी द लॉस, वो हमारा लॉस भी हो सकता है. हाँ जी बेटा कोई और चीज? अच्छा ठीक है, गेट कर लिए, ठीक फाइन. नहीं जी यहां तक तो ये एंट्रीज होंगी हमारे पास. अब मैं बात करता हूं आगे फाइनेंशियल लेजर के ऊपर, चलते हैं आगे हम फाइनेंशियल लेजर. ये तो कॉस्ट लेजर की बात हुई ना सारी. चलो फाइनेंशियल लेजर में क्या करेंगे. अब यहां भी उसको हम जनरल लेजर का नाम देते हैं. अब जनरल लेजर में क्या होता है, ये तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज हो रहा होता है. इसमें एंट्री जो होती है वो नॉर्मल तरीके से ही होती है, जो हमारा नॉर्मल तरीका था जिससे हम नॉर्मली एंट्री किए करते हैं, ये सब उसी तरह से संदर्भ था. एक बच्चा पूछे थे अंडर ओवर एब्जॉर्ब, उसी तरह से बेटा हम उसको ओवर है तो प्रॉफिट में एड करेंगे, यानी लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. अंडर है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. तो ये इसी तरह से अंडर या ओवर जो भी है ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जा रहा होगा. अच्छा जनरल लेजर की बात करें यहां पे, तो जनरल लेजर के अंदर क्या एंट्रीज होंगे हमारे पास, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की क्या एंट्रीज पास करेंगे. अब बात शुरू होगी यहां पे जनरल लेजर, जनरल लेजर, ये जनरल लेजर है. अब जनरल लेजर के अंदर क्या एंट्रीज करेंगे, मटेरियल की करेंगे, लेबर की करेंगे, ओवरहेड्स की करेंगे. मटेरियल के लिए हम डायरेक्ट मटेरियल डेबिट करेंगे, कैश या पेबल्स क्रेडिट कर दीजिएगा. इसमें डायरेक्ट लेबर डेबिट करेंगे हम, कैश या पेबल्स को क्रेडिट कर दीजिएगा. इस तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम डेबिट करेंगे, कैश या पेबल्स को हम क्रेडिट कर देंगे. तो ये कुछ इस तरह से एंट्रीज होंगी. वहां पे सारी की सारी कॉस्ट कहां से आ रही थी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. यहां एक्चुअली कैश या पेबल्स हमारे पास आ रहे हैं. तो डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट, इसे डायरेक्ट लेबर डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल्स क्रेडिट. तो सबसे पहले हम ये स्टेप वन तीनों एंट्रीज हम यहां पे एक्सटर्नल ना, यहां पे अब कॉस्ट लेजर तो नहीं बन सकते, यानी कॉस्ट तो वो सारी बातें इंटरनल यूज होती है. ये जितने भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ये सारे के सारे हम डेबिट करेंगे और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को यहां पे क्रेडिट करेंगे, स्टेप वन. स्टेप टू जरा फर्क है, ये सारी की सारी कॉस्ट डब्ल्यूआईपी में नहीं जाएगी. उसमें क्या करते थे, डब्ल्यूआईपी में डाला, फिर फिनिश गुड्स में डाला, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाला. यहां बना रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जिसको कह रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले बनाते हैं. जनरल लेजर फैक्ट्री मेंटेनेंस करेगी, बिल्कुल जनाब. फैक्ट्री से रिलेवेंट जो कॉस्ट होगी इसमें आएगी, वो बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्री से रिलेवेंट कॉस्ट भी आ रही है. लेकिन मतलब ये कि फैक्ट्री से रिलेवेंट कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड कहां लगाया जा रहा है, फैक्ट्री में लगाया जा रहा है. तो हम मटेरियल लेबर ओवरहेड के अकाउंट ही बनाएंगे प्रॉपर, यानी इसके अपने प्रॉपर अकाउंट बनेंगे. हर चीज नॉर्मल तरीके से होगी, यू कह रहे हैं जो आप एफ आर वन और एफ आर टू में पढ़ते वही होगी. इन डब्ल्यू आई पी का वर्ड यूज नहीं होगा, क्यों, वो हमारे पास वो इंटरनल रिपोर्टिंग में वर्ड यूज होता है, कोई वर्क यहाँ पे कॉस्ट लेजर का वर्ड भी यूज नहीं होगा. खैर ये सारी मटेरियल लेबर ओवरहेड कहा जाएगा, ये हमारे पास उसी तरह से फैक्ट्री में इस्तेमाल होगा. तो ये सारी की सारी हम यहाँ पे मटेरियल कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, डायरेक्ट मटेरियल. ये फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कह रहे हैं. ये फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले जो हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट लॉस है ये हम उस तरह से ट्रीट करेंगे. तो ये प्रॉफिट ये कहां जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इसी तरह ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल. ये कहां जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा. यानी क्या करेंगे यहां पे हम, व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी वैल्यू. तो हम लेंगे यहां पर, यू कह लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट लेबर अकाउंट क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट.
इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर की जाएगी हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट कर दिया, डायरेक्ट लेबर क्रेडिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये डायरेक्ट ही नॉर्मली बजाय कि डब्ल्यूएबी जाए, फिर फिनिश गुड्स में जाए, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट जाते, तो यहीं से हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसको डालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हो सकता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कोई ओपनिंग एंट्री पड़ी हो, ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, लाइक मैं बात कर रहा हूं, तो अगर कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ तो वो भी सारे का सारा हम क्या करेंगे, फिनिश ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और ओपनिंग इन्वेंट्रीज मटेरियल की फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे। इस तरह अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमारे पास बचती है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, काम होगा ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट करके हमारे पास क्लोजिंग जितनी इन्वेंट्रीज होगी उसको हम डेबिट कर रहे होंगे, खैर अगर कोई एंट्री इसकी आती है तो। अच्छा, बाद में अगर इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर अलग कर लेंगे यार, जितनी इनडायरेक्ट लेबर है वो हमारे पास ओवरहेड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर की एंट्री करो, अगर मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर है तो उसको मैं अलग कर लूंगा यहाँ से, इनडायरेक्ट लेबर को अलग करके उसको मैं कहां डाल दूंगा, उसको मैं ओवरहेड्स में डाल दूंगा, और ओवरहेड्स भी अल्टीमेटली कहां जाएंगे, वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जा रहे होंगे, उसको अलग करके उसको भी प्रॉफिट ओवरहेड्स में डाल देंगे, ओवरहेड से भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाना है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट चले जाएगा हमारे पास। ठीक होगी बात बेटा, तो उसको अलग करके हम अलग सेपरेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो एंट्रीज होंगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला गया, सेल्स की एंट्री होगी, सेल्स की एंट्री जैसे नॉर्मली हम करते हैं वही एंट्री होगी ना, क्या एंट्री करते हैं नॉर्मली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग वाले, क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिट पर अगर सेल की हो तुम क्यों कर लेते हो, यहाँ पे क्रेडिट पर अगर सेल की हुई हमने तो रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल्स ले लेंगे, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट इसको हम क्रेडिट कर, रेडीमेडली सेल्स अकाउंट को फिर डेबिट करेंगे, कहां जाएगी ये सारी वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और फिर सेल्स को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। यहां तो कोई इश्यू, अब अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दो वैल्यूज आ चुकी होंगी हमारे पास, एक तो हमारे पास फिनिश गुड्स आ चुकी होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और एक हमारे पास क्या आएगा, सेल्स भी आ चुकी होगी, तो क्या करेंगे, यूं कह लें फिनिश गुड्स का जो अकाउंट बन रहा होगा किस तरह से बन रहा होगा, थोड़ा आइडिया दे दें उसको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अकाउंट कैसे बन रहा होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो अकाउंट बन रहा होगा जनाब वो ऐसा बन रहा होगा, यानी पी एन एल अकाउंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, अभी हमने बात की कि डायरेक्ट मटेरियल भी इसमें आ चुका होगा, डायरेक्ट लेबर भी आ चुकी होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ चुके होंगे, और इसमें सेल्स भी आ चुकी होगी, तो ये सारी एंट्रीज इसमें आ चुकी होंगी ऑलरेडी, मटेरियल भी आ चुका होगा, लेबर भी आ चुका होगा, ओवरहेड्स भी आ चुका होगा, और सेल्स भी आ चुकी होगी हमारे पास, स्टिल अगर यहाँ पे फिगर बचती है तो दैट इज कॉल्ड अवर प्रॉफिट, अगर फिर भी इनके बाद भी हमारे पास यहाँ पे फिगर आती है दिस इज कॉल्ड अवर, वो कहां से आ रहा है, हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अगर आपने कोई एंट्री करनी है उसका अकाउंट बनाना है तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसका एक अकाउंट बनाएंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आ रही होंगी, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होंगे, यानी ये जो प्रॉफिट होगा सारे का सारा कहां ट्रांसफर होगा, रिटेन अर्निंग के अंदर। हाँ जी, यहां तक कोई सवाल बेटा आपके माइंड में, हाँ हेमल खान बेटा, जब हम बना रहे होंगे जनरल लेजर, ठीक है, तो जनरल लेजर के अंदर जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ये सारे अकाउंट जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, यानी यहां पे डब्ल्यूआईपी नहीं बनेगा, यहां पे फिनिश गुड स्टॉक नहीं बनेगा। ठीक हो गया।
कोई और सवाल? हाँ जी बेटा, डन। यहां तक क्लियर सबको भाई? कोई इश्यू की प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? डन। अच्छा जी, हम आगे देखते हैं, हम हमारे पास क्या चीजें हैं। इधर देखते हैं यार, इधर देख किताब किधर है? अजीब है यार, किताब के पेज ही नहीं मिलते। चलो यहां से देख लेते हैं। ये है फुली लेंज बेटा, ये देखें जरा, फुली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स में क्या चीजें होती हैं, वो यही बता रहा है आपको कि एक तो हम डबल, जितने भी डबल एंट्रीज करते हैं उसमें जो सेकंड हेड होता है हमारे पास कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, जहां जहां हम सीरीज फ्रॉम द कस्टमर शो करना होता है या पेबल्स टू सप्लायर शो करना होता है, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड बात करनी होती, शेयर इश्यूज की बात करनी होती, ये इन तमाम जगह पे हम क्या यूज करते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेकंड हेड क्या होगा हमारे पास? वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा। इसे हम डस्टबिन अकाउंट का नाम भी देते हैं, दैट विल बी अवर डस्टबिन अकाउंट। ठीक हो गया। अब ये कॉस्ट एज कंट्रोल अकाउंट, अच्छा बेनिफिट्स क्या है इसके? ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। नुकसान क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अब फिगर्स में अच्छा इसमें ये फर्क भी आता है हमारे पास, प्रॉफिट्स में फर्क आ रहा होता है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी फर्क आ रहा होता है। खैर ये फर्क तो आना था। ये हमारे पास यहाँ पे ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसमें क्या क्या करते हैं यहाँ पे? सेकंड हैंड कहाँ कहाँ तक साइड यूज करते हैं? कैश के तौर पे इसको यूज कर लेते हैं, बैंक रिसीवेबल्स पेबल, तीन चार जगह पे हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास फुली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स है हमारे पास। ये डायग्राम बनाई हुई, कॉस्ट लेजर बना हुआ है, एक हमारे पास फाइनेंशियल लेजर बना हुआ है। देखें जरा इसका, हाँ जी क्या फ्लो नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले देखते हैं आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसमें क्या बात की हुई? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों अकाउंट्स में वैल्यूज कहां से आ रही है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अभी हमने एंट्रीज क्या की थी? हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल को डेबिट कर देंगे और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, फिर डायरेक्ट लेबर डेबिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब ये तीनों अकाउंट्स, ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में क्या करेंगे? तीनों अकाउंट्स को उठा के हम WIP में ट्रांसफर कर देंगे। WIP वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल को क्रेडिट करूंगा, WIP डेबिट, डायरेक्ट लेबर क्रेडिट, WIP डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। ये तीनों अकाउंट्स कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? WIP के अंदर। तो WIP डेबिट हो जाएगी, अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे, स्टेप टू। स्टेप थ्री, जितना भी WIP ट्रांसफर हो जाएगा फाइनेंशियल ग्रुप्स के अंदर, फाइनेंस ग्रुप्स। स्टेप फोर, फाइनेंस ग्रुप्स ये वाली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगी और अंडर ओवर एब्जॉर्बिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा। यही स्टेप्स है। अब थोड़ा एक्सटर्नल की वर्किंग हो रही है, यहां वो भी रिकॉर्ड करते हैं कि सेल्स को हम वर्किंग करें यहाँ पे, हम रिसीवेबल्स यूज नहीं करेंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास।
फिर सेल से वैल्यू हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगी, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस अल्टीमेटली कहां शेयर हो रहा है, कॉस्ट लार्जर कंट्रोल अकाउंट के साथ। ये मसला भी डन, इज इट क्लियर? जनरलाइज में देखें बेटा क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल को डेबिट करें, डायरेक्ट लेबर को डेबिट करें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को सबको डेबिट करें, और हम यहां पे कैश या पेबल्स को क्रेडिट करें, जिस तरह नॉर्मल एंट्री हुआ करती है, नॉर्मल एंट्रीज की तरह ही हम ये एंट्रीज बात करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां भी इन अकाउंट्स को हम डेबिट कर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट, और कैश या पेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। फिर अल्टीमेटली ये सारी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहां ट्रांसफर होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट डायरेक्ट लेबर क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्रेडिट कर देंगे। तीनों कॉस्ट कहां ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे पास, हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ गया हमारे पास। देन सेल्स की एंट्री करेंगे, सेल्स की एंट्री कैसे हम करते हैं नॉर्मली, क्या सेल्स की एंट्री करते हैं, उसी तरह से रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, और सेल्स भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगी, और हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हम accumulated profit या retained profit कर लेंगे, retained earning कर लें, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये वहां ट्रांसफर हो रहा होगा। डन, तो मसला बड़े यहां से, इज इट क्लियर? हाँ जी, दोनों कॉस्ट फ्लो मैथड में कोई मसला भाई? दोनों कॉस्ट फ्लो मैथड में कोई मसला? कोई मसला नहीं, अभी आइडिया होता है। नहीं, जब हमारे पास यहाँ पे सवाल है, सवाल को रीड करना आपने, अभी हमने अप्लाई करना सारा यहाँ ऑल टू ऑल, अभी कभी हमने इसको फिनिश करना, नहीं लेट टाइम, जरा 5 मिनट आपके पास है, सवाल को रीड कर ले एक दफा बेशक, देन वी विल स्टार्ट। हरी अप क्विकली, मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड करना है आज, इस चैप्टर को भी खत्म करना है जल्दी। हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्रीज क्या बताया है सवाल करने, कितने केजीज है, 10,000 केजीज, और इसकी वैल्यू कितनी, 25,000 रुपीज है। वर्क इन प्रोग्रेस की कोई ओपनिंग एंट्री नहीं, फिनिश गुड्स की एंट्री कितनी, 1,000, इसकी वैल्यू कितनी, 100,000 रुपीज। ये पिछला सवाल ये की चल रहा है, हमने बार बार उसी भी सारी चीज अप्लाई करनी है।
मटेरियल्स हमने मटेरियल कितना परचेज किया ना, परचेज किया हमने 28,000 केजी और इशू प्रोडक्शन में कितना इस्तेमाल हो गया 30,000, यानी पहली एंट्री जितनी होगी 77,000 रुपीज के हिसाब से, 28,000 के हिसाब से होगी डायरेक्ट मटेरियल डेबिट। और दूसरी जो एंट्री होगी स्टेप टू के अंदर जो हम वर्किंग प्रोग्रेस में ट्रांसफर करेंगे 30,000 केजी ट्रांसफर करेंगे, उसके हिसाब से एंट्री होगी। फाइफो मेथड अप्लाई करें तो पहले 10,000 इस्तेमाल होगा, फिर हमारे पास बाकी 28,000 यहां से इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, लेबर 16,000 आवर्स हमने पे किए, 96,000, लेकिन लेबर ने काम किया 15,000 आवर्स, 1,000 आवर लेबर ने काम ही नहीं किया। वो जो 1,000 आवर्स ने काम नहीं किया इनडायरेक्ट लेबर है, तो इनडायरेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास, यानी वेजेस कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट करके उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो वो वैल्यूज उतनी वैल्यूज कहाँ चली जाएगी हमारे पास, प्रॉफिट प्रोडक्शन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चली जाएगी हमारे पास, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चली जाएगी इनडायरेक्ट लेबर जो। Then production overhead actually दिए 250,000 रुपीज, उसके बाद रेट क्या absorption 20 दिया हुआ, तो 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्शन क्या 15,000 से, हमारे ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो 3,00,000 हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल कितने 2,50,000 है। अब अंडर ओवरहेड भी निकालें, हमारे पास इनडायरेक्ट ओवरहेड भी निकालें, इनडायरेक्ट लेबर भी निकालेंगे 6,000 की होगी, 2,50,000 और 2,56,000 बन जाएगा, तो 3,00,000 में से 2,56,000 माइनस करेंगे तो 44,000 का हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब भी आ रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कंप्लीट कितनी 4,000 की, इसकी वैल्यू कर लेंगे 4,000 की प्रोडक्शन कंप्लीट, 4,000 की कॉस्ट कितनी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे फिर हमें प्रोडक्शन में से, तो 500 यूनिट की क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बस, देन सेल्स की एंट्री करेंगे फिर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट लैटिट्यूड बैलेंस बना हुआ हमारे पास, रॉबर्ट हिल ग्रेविट वर्ड 25,000 से कहीं 1,00,000 है, कॉस्ट लार्जर कंट्रोल अकाउंट को हमने 1,25,000 से क्रेडिट किया हुआ है, नहीं सॉल्यूशन बेशक देख लें, स्पेंड सम टाइम, ये एक्चुअल ओवरहेड है 2,56,000 का। देखें एंट्रीज देखने का मसला बताएं मुझे आराम से तसल्ली से, इसको पहले देख लें बेटा, बल्कि ऐसा करें सब लोग ट्राई करेंगे यार, देखना क्या सवाल आपके सामने था बेटा, सब लोग पहले सारी एंट्री ट्राई करेंगे, चलें फिर हम डिस्कस करेंगे, ये सवाल आपके सामने सब लोग सारी एंट्रीज ट्राई करेंगे, सारी एंट्री ट्राई करेंगे, अकाउंट बनाने ठीक, अकाउंट हमने बनाने हरिया भैया पहले कॉस्ट लेज बनाए फिर फाइनेंशियल लेज फिर जनरल लेज बनाएंगे। अभी मैंने पूछना है आपसे कितनी कितनी अमाउंट से क्या क्या चीज चल रही, हरिये भरिये भरिये
हाँ जी पहले तीनों एंट्री मुझे बताएं जल्दी जरा, हरी अब जल्दी क्विकली सब लोग रिप्लाई करेंगे, पूरा रिप्लाई करना मुझे। पहली तीन एंट्री मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, क्या एंट्री पास की, जल्दी 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 क्विकली बेटा, हरी अब सब लोग क्या एंट्री पास की आपने। स्टेप वन में एंट्रीज, ठीक हो गया, डन। डायरेक्ट मटेरियल टू कॉस्ट लेस कंट्रोल, फिर डायरेक्ट मटेरियल टू हमारे पास कॉस्ट लेस कंट्रोल, ठीक है। डायरेक्ट लेबर की भी आ गई, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की स्टेप वन में तीन एंट्री है। डन, ठीक हो गया। अब स्टेप टू में तीनों एंट्री बताएं जल्दी, स्टेप वन की तो हो गई, स्टेप टू। एक बात हमें क्लियर है कि इनडायरेक्ट जितनी भी लेबर है हमारे पास वो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट और हम लेबर अकाउंट को या वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि डब्ल्यू आई पी हमारे पास क्या जाएगा, तीन एंट्री है स्टेप टू। हाँ जी स्टेप टू की तीनों एंट्रिया वर्किंग प्रोग्रेस टू मटेरियल कर लेंगे, बिल्कुल। अब वर्किंग प्रोग्रेस टू मटेरियल किससे होगा, फाइफो मेथड के थ्रू होगा। तो फाइफो में हम कैसे करेंगे, पहले हमारे पास जो ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा होगा पहले उसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, ओपनिंग कितना था, फिर हम देखेंगे यार कि हमारे पास अब हमने कितना परचेज किया हुआ, टोटल कितना है। तो फाइफो मेथड को फॉलो करते हुए 80,000 निकलेगा। ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस टू मटेरियल नेक्स्ट एंट्री, वर्किंग प्रोग्रेस टू लेबर द नेक्स्ट एंट्री, वर्किंग प्रोग्रेस टू ओवरहेड्स, तीनों एंट्री बताएं जल्दी। लेबर भी मुझे डायरेक्ट लेबर लेंगे यहां पे हम, क्योंकि इनडायरेक्ट हमने ट्रांसफर कर दी, 6,000 तो ट्रांसफर हो गया, बाकी 90,000 रह गया। तो वर्किंग प्रोग्रेस से चलाएंगे इसको, बिल्कुल। ओवरहेड्स ओवरहेड्स बेटा अच्छा, ओवरहेड्स की पहले जो हमने एंट्री की है बेटा वो हमने 250,000 से की थी, वो एक्चुअल एंट्री थी हमारे पास। अब जो हम डब्ल्यूएबी में ट्रांसफर करें वो तो एब्जॉर्ब, हमेशा एब्जॉर्ब ट्रांसफर करते हैं कि हमने एब्जॉर्ब कितना करवाया, तो एब्जॉर्ब से कर रहे हैं। फिर आगे जाके हमारे पास डिफरेंस निकलेगा, एंट्री ओवर का डिफरेंस भी आ रहा होगा। तो बस ये तीन एंट्री हमारे पास हो गई कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट डब्ल्यूएबी को हमने डेबिट किया, मटेरियल को 80,000 को क्रेडिट किया, डब्ल्यूएबी को डेबिट किया, लेबर 90,000 क्रेडिट की, और डब्ल्यूएबी हमने डेबिट किया और 3,00,000 को हमने ओवरहेड्स को क्रेडिट कर दिया। स्टेप थ्री, कॉस्ट निकाले हमारे पास, कंप्लीट कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कितना, लेबर कितना, हमारे पास ओवरहेड्स कितने, सारे अब्सॉर्ब, कितनी टोटल कॉस्ट हमने निकाली। मटेरियल अभी आपने मुझे बताया 80,000 डेबिट किया, लेबर अभी आपने मुझे बताया 90,000 डेबिट किया, ओवरहेड्स आपने मुझे बताया अब्सॉर्ब के बारे में 300,000, तीनों को ऐड कर ले कॉस्ट कितनी बनती है, 470,000 बनता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए वर्क इन प्रोग्रेस क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है, तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग प्लस ये हम जो इस्तेमाल हुआ प्रोडक्शन में माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, तो यही हम यूज करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 470,000 एग्जैक्टली। अब ये 470,000 जो कॉस्ट है कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए, सवाल में बताया हुआ मैं
जैसे मुझे यहां पे बताया होता इस सवाल में, ये देखिए ये लिखा हुआ 4000 कंप्लीटेड प्रोडक्शन, 4000 से डिवाइड करके कॉस्ट पर निकालेंगे। सर फैक्ट्री तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, फिर यहां पे अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की यूज हो रही है, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना यार, तो फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में हम इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी आगे, 4000 इन्हें सवाल में दिए हो तो ठीक है, इसको डिवाइड करें 4000 से, कॉस्ट पर ही निकल आएगी। कॉस्ट पर ही निकले, डन ठीक हो गया कॉस्ट। अब हमने वर्किंग करनी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा हमारे पास, यहां मेंशन किया था रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक खुद निकालेंगे आप, हमने पहले भी निकाला था, वो मुझे आप निकाल के बताएंगे भी। वर्किंग प्रोग्रेस का है ही नहीं, फिनिश गुड्स का 500 दिया हुआ है, तो 500 दिया हुआ है तो 117.5 को 500 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपके पास फिनिश गुड्स की वैल्यू निकले। फिनिश गुड्स की यूनिट्स गिवन है हमारे पास, ये कितने 500 है, ये कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 117.5, मल्टीप्लाई कर लें निकालने वैल्यू क्या आती। ठीक हो गया, ये 58750 जो वैल्यू निकली है क्लोजिंग स्टॉक की निकली है, तो ठीक है हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं कि हमने जितने भी प्रोडक्शन की, 1000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, 4000 की हमने प्रोडक्शन की, तो 5000 के हमारे पास यूनिट्स हैं और इसकी कॉस्ट 570 आ रही है, तो यहां से 500 माइनस कर लिया, उसकी कॉस्ट भी 58750 वो भी माइनस कर लिया हमने, तो रिमेनिंग यूनिट्स मेरे पास कितनी आएगी 4500 ये जो सेल में, और इनकी कॉस्ट कितनी आएगी वो हम यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे। ये जो कॉस्ट निकाली अभी हमने टोटल कॉस्ट अभी कितनी निकाली थी हमने 570, तो 570 में से टोटल ये जो हमने कॉस्ट निकाली इसको माइनस करने के रिमेनिंग की वैल्यू आएगी, इस रिमेनिंग अमाउंट को हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लॉस होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। करें जरा यहां तक मसला भी। अच्छा मुझे ये बताएं अंडर अब्सॉर्ब या ओवर अब्सॉर्ब, ये निकाल के दिखाएगा अब्सॉर्ब ओवर अब्सॉर्ब भी आप निकाले थे, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर 15000 रेट पर आवर टू एक्चुअल ओवरहेड्स 250 और एक्चुअल 6000 और भी थे, निकालें जरा अंडर या ओवर अब्सॉर्ब निकाले, प्रॉपर वर्किंग करें खुद से, सब लोग वर्किंग करें खुद से। सब लोग वर्किंग करें सब लोग, बिल्कुल मैम ओवर अब्सॉर्ब 44000 अब्सॉर्ब ओवरहेड कितने हमारे पास, हमने एक्चुअल प्रोडक्शन आवर से 15000 उसको रेट 2 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख आ गया, तो अब्सॉर्ब ओवरहेड 3 लाख है, एक्चुअल माइनस किया हमने यहाँ पे,
वो 250 था और 6000 256000 बनता है हमारे पास, तो माइनस किया हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब आ गया 44000। तो 44000 विल बी द ओवर एब्जॉर्ब। यहां तक कोई मसला भी? अच्छा, सेल्स की एंट्रीज हमारे पास सेल्स कैसे हो रही होगी, कितनी सेल की हमें यहां पे, सवाल पे जाते हैं वापस। अच्छा बताएं मुझे सेल कितनी हुई है, 2,50,000, 2,05,40,000 की सेल हो गई। सेल्स की एंट्री करेंगे हम किस तरह से करेंगे? नॉर्मली एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स करें, लेकिन अब हम सेल्स रिसीवेबल यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक्जैक्टली, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। एक्जैक्टली बेटा, डन हो गया ये बात। और फिर यहां से सेल्स ट्रांसफर होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने अभी ट्रांसफर किया था, फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर कर दी हमने, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब वो भी हमने ट्रांसफर कर दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, और ये सेल्स भी ट्रांसफर होगी। तीन एलिमेंट्स ट्रांसफर हो गए हमारे पास। जरा प्रॉफिट निकालेंगे, एक तो यह है कि सेल में से आप खाली फिनिश गुड्स माइनस कर दें, जो फिगर आए उसमें से ओवर एब्जॉर्ब ऐड कर दें, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट निकाले सब लोग, हरी अब हरी अब हरी अब हरी अब। हाँ जी, सेल्स के बाद प्रॉफिट निकाले ना, प्रॉफिट निकाल गए हैं। प्रॉफिट निकाले हरिया फरिया, सब लोग प्रॉफिट निकाले। कितना प्रॉफिट आ रहा हमारे पास है वो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट हमने निकाली थी उसमें से हमने हमारे पास क्लोज स्टॉक माइनस कर लिया था, तो हमारे पास फिनिश गुड्स की वैल्यू आएगी 511250। अब जो आंसर आ गया उसमें जाके हमने अब क्या किया कि ओवर एब्जॉर्ब जो है वो प्रॉफिट माइनस कर दिया, ये कॉस्ट उसको माइनस कर दिया, ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में हम जाके ऐड कर दिया। इस तरह से हम यहां पे क्या करेंगे, टी अकाउंट सारे बन जाएंगे हमारे पास, आगे जाके टी अकाउंट्स में मैसेज बना लेंगे, कोई नई बात नहीं इसके अंदर। लेकिन अब हम बात करते हैं जनरल लेजर के अंदर, जल्दी रखियो क्योंकि स्पीड लेंगे बेटा सब लोग, मैं देखो कौन जल्दी एंट्री मेरी करके दिखाता है। अब जनरल लेजर में मैंने क्या बताया था आपको, तीन एंट्री कौन कौन सी होंगी हमारे पास, हमने बात की थी यहां पर। अब जनरल लेजर के अंदर हम यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को बड़ी यूज नहीं करेंगे, तो मैंने सिंपल एक जो बात की थी आपके सामने, एक तो ये बात की थी तीन एंट्रीज करेंगे स्टेप वन में, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड्स की, तो इनको हम डेबिट कर देंगे और कैश या पेबल वगैरह क्रेडिट कर देंगे। स्टेप टू में मैंने बताया कि सारी की सारी जो कॉस्ट होगी हमारे पास, ओवर हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, सारी की सारी कहां ट्रांसफर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। अब अगर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्रीज पड़ी हुई, ओपनिंग स्टॉक पड़ा वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्लोजिंग पड़ा हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी वहां ट्रांसफर नहीं होगा, वहां से माइनस हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास सेल्स वहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकलेगा, सब कुछ वहां पे आ रहा होगा हमारे पास। ले जी करें जरा स्टेप वन। अब इसी सवाल को आपने किस पॉइंट से बताना मुझे, अब आपने इसको बताना जनरल लेजर में तीन एंट्री कौन सी होंगी। बिल्कुल वर्किंग प्रोग्रेस इसमें नहीं होता, यहां पे फिनिश गुड्स में नहीं होता, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है।
हरी अब हरी अब स्टेप वन तीनों इंट्रोड्यूस करेंगे। एक बच्चा कह रहे सर साथ लिख दें, क्या लिख दूं बेटा बताओ क्या लिख दूं? हाँ बेटा सुबह बेटा क्या लिखना है मुझे बताओ। आई विल राइट दैट एंट्रीज। अच्छा एंट्रीज लिखनी है, अभी आपने देखी नहीं, मैंने अभी एंट्रीज करके तो दिखाई दी आपको। किधर गई एंट्रीज? यहां हुई होगी जिसमें ये बनी की है। आई थिंक सो यही है, यही है। ये जनरलाइजर था, यहां से ऑनर मैंने एंट्रीज की थी आपके सामने। अजी क्या एंट्रीज करेंगे अभी देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं इसको। डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारे पास, कितने एंट्रीज करें जरा सब लोग। जस्ट डायरेक्ट लेबर की समझ नहीं लग रही, तो बाहर बेटा क्या करते हैं आप यार, डायरेक्ट लेबर की समझ क्यों नहीं लग रही आपको, क्या इसमें मसला आ रहा है? देखिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ये हम अपने लिए वर्किंग करते हैं, कॉस्ट लॉजिक के लिए वर्किंग करते हैं। ये सारी सारी वर्किंग किसके लिए हो रही होती है हमारे पास, कॉस्ट लॉजिक के लिए। कर रही है तो कर लें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। कॉस्ट लॉजिक के अंदर ये जब भी इंटरनल वर्किंग होगी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग करते हैं, क्योंकि इंटरनली हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। जब हम एक्सटर्नल वर्किंग करेंगे बेटा सुबह, जब भी हम एक्सटर्नल वर्किंग कर रहे होंगे यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंट जब वर्किंग करेगा, फाइनेंशियल लेजर बना रहा होगा, ये जनरल लेजर बना रहा होगा, वो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को अलग नहीं करेगा, उसके लिए सब कुछ सेम है, उसी तरह से ट्रीट करता जाएगा। देखें फाइनेंशियल लेजर जब बनता नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी FI1 में FI2 में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, कभी आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर अंडर या ओवर नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू जरूर बन रहा होता है, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, वहां पे हम फाइनेंशियल की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कॉस्ट वाली की टर्मिनोलॉजी वहां भी यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी वहां भी यूज नहीं होती, इसलिए वो अंडर या ओवर नहीं होता, हर चीज एक्चुअली चलती जा रही होती है। ठीक हो गया? तो क्या करते हैं, क्योंकि हर चीज एक्चुअली चलती जा रही होती है, एंट्रीज भी उसी तरह से करते जा रहे होते हैं। इसमें मटेरियल कितना हमारे पास, सवाल में कितना मटेरियल था, 77,000 का मटेरियल है। कितना है सवाल पे आता हूँ, एक मिनट में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें मटेरियल कितना है, 77,000 का मटेरियल है बेटा। लेबर कितनी, 96,000 की। अब इसमें इनडायरेक्ट अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। अब ओवरहेड कितनी, 250 हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या ठीक है, हम यहाँ पे एंट्रीज क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसमें डिस्कस कर दूं क्या एंट्रीज करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल को डेबिट कर दें। हाँ बेटा डायरेक्ट मटेरियल टू कैश कितना, 77,000 कैश भी 77,000 आ गया, पेबल लगा ले। डायरेक्ट लेबर कितनी हमारे पास, डायरेक्ट लेबर क्या नहीं है, यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट को वैसे नॉर्मली बट यूज करते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये वो भी यूज करेंगे, इश्यू नहीं। वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया मैंने कितने से, 96,000 से, और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, पेबल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 96,000 से। ओवरहेड्स भी एक्चुअली ले लेंगे यहाँ पे ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमने डेबिट कर दिया 250,000 से, और यहाँ पे मैंने कैश या पेबल्स को क्रेडिट कर दिया 250,000 से। आप पूछे क्या पूछना आपने, प्रॉफिट लॉस टू डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 77,96,250। ठीक है, हाँ सुभान बेटा। अब बात समझ आई कि जब हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, जब भी जितने भी हम इंटरलॉकिंग के अंदर, जहां भी हम जब फाइनेंशियल लेजर बनाएंगे, जनरल लेजर बनाएंगे, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को अलग करना जरूरी नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, सारी की सारी इनडायरेक्ट भी ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया? अल्टीमेटली तो कॉस्ट वहीं पे जाने ना यहाँ पे, इसलिए इसमें हमें हर एक चीज को अलग करना जरूरी नहीं है। तो यही सारी एंट्रीज अब स्टेप टू में क्या करेंगे, उठा के इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डाल देंगे। हम क्या करेंगे स्टेप टू में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट,
और पहले मैं अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस को डेबिट मटेरियल क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस को डेबिट वेजेस क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस को डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, ठीक हो गया। तो हम यहां पे तीनों ये स्टेप वन में तीन एंट्रीज की, स्टेप टू में WIP को डेबिट करके इन तीनों को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो फिर वही बात, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, इन सब का ओपनिंग स्टॉक भी हम वर्क इन प्रोग्रेस में ही डेबिट कर रहे हैं। हाँ जी हरियप हरियप हरियप, यहां तक कोई इशू? तो ये हम क्या करें, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग बना रहे हैं, तो WIP नहीं बनना, फिनिश गुड्स नहीं बनना, सारी कॉस्ट डायरेक्टली कैसे जा रही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डायरेक्टली कॉस्ट जा रही है सारी की सारी, तो सारी की सारी कॉस्ट डायरेक्टली मूव करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री देखें, जैसे हम आप FR2 में FR1 में बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, वहां ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा होता है, तो वो वही होता है, हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक हम क्रेडिट करेंगे, इसी तरह प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट और फिर बाकी सारी चीजें हम क्रेडिट। तो ये वन बाय वन ऐसे एंट्रीज करते जाएंगे। कोई मसला यहां तक स्टेप वन में? कोई मसला स्टेप टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट मटेरियल क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, हमारे पास वेजेस क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट ओवरहेड क्रेडिट, मसला भी यहां तक, जितनी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट ऑल द ओपनिंग इन्वेंट्रीज क्रेडिट, और इसी तरह से हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट करके सारी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को डेबिट कर देंगे। हां जी यहां तक कोई इशू? इज इट डन? यानी इसके लिए क्या एंट्रीज होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट होगा, इसके लिए भी प्रॉफिट लॉस को डेबिट वेजेस क्रेडिट, इसके लिए भी प्रॉफिट लॉस को डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट। तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट और इन तमाम अकाउंट्स के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट करते जाएंगे। यहां तक कोई इशू? डन? इज इट डन भाई? डन हो गया। अब उसके बाद सेल्स की एंट्री क्या होगी जनाब? सेल्स उसी तरह से देखें सवाल में। अब यहां पे हम कॉस्ट एज कंट्रोल अकाउंट तो है नहीं, नॉर्मल एंट्रीज होंगी हमारे पास। तो हमारे पास नॉर्मल एंट्रीज हो रही होगी, तो सेल्स कितने की सेल हो रही है आपके सामने? सेल्स है तो रिसीवेबल्स को डेबिट, सेल्स टू क्रेडिट। हाँ जी क्या एंट्री बताएंगे? सेल्स की एंट्री नॉर्मली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग वाली। ये सब ये जनरल लेजर में मैंने जितनी चीजें बताएंगे ये आपकी नॉर्मल रूटीन की बात, यानी नॉर्मल जो FR1 में FR2 में या एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो चीजें पढ़ते हैं वही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि मटेरियल लेबर हम ओवरहेड्स देते हैं, ये सारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, सेल्स भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है, सारी चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है हमारे पास। हाँ जी बताएं एंट्री, बताएं मुझे सेल्स की एंट्री क्या होगी? अरे फिर वहां हमने कॉस्ट लॉजिक कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया था और सेल्स को क्रेडिट किया था, यहां में ठीक हो गया, रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, फिर सेल्स को डेबिट करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। यहां प्रॉफिट कितना आ रहा है प्रॉफिट बता दे रहा मुझे? ऑपरेटिंग स्टॉक भी लेना आपने, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स भी सारे आपने एक्चुअल लेने हैं आपने, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी आपने लेना है, ओपनिंग प्लस ये प्रोडक्शन की सारी कॉस्ट, फिर माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास कॉस्ट और सेल में से कॉस्ट और माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सर ये प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे मुझे जरा। सर ये सब लोग, अरे ये फिर सब लोग ट्राई करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम।
पहले तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बताया ना मुझे, चले सेल्स दी 540, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बताया मुझे, सवाल में कितनी दी थी, ये आपके सामने, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक आपके सामने दिया भैया, एक 25 और एक 1 लाख है, 1,25,000 ओपनिंग स्टॉक आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 आ गया। अब प्रोडक्शन की बता दे मुझे, मटेरियल कितना 77 का दिया हुआ, लेबर कितनी 96 की, ओवरहेड कितने 215, तीनों को ऐड करें, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और हमारे पास जो ओवरहेड है 77,000 प्लस 96,000 प्लस 250,000, ये कितना बनता है, तीनों को ऐड करने क्या आती वाली, तो 423,000 डन। तो ओपनिंग स्टॉक 120 और 423 हमारे पास प्रोडक्शन, दोनों को ऐड करें, क्लोजिंग स्टॉक क्या वैल्यू निकालें, रॉ मटेरियल की कभी मैंने वैल्यू निकाली थी आपके सामने, फाइफो में ऐसे लगाएं जरा, फाइफो में हमारे पास एग्जिस्टिंग निकल चुका होगा, बाकी मटेरियल कितना रह चुका ये देखें, अभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी 5875 वो तो वही आएगी, अब रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालें, देखिए रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास, हाँ जी रॉ मटेरियल है कितना मेरे पास 10,000 का था, मैंने कितना ट्रांसफर किया रॉ मटेरियल 10,000, ये ट्रांसफर कर दिया होगा ना सेल्स में, 30,000 ट्रांसफर कर दिया, तो वहां बाकी कितना बचा हुआ, यानी 77,000 को 28,000 से डिवाइड कर लो तो कॉस्ट पर केजी निकल आएगा, कितने केजी बाकी बचे होंगे, तो हमारे पास बाकी बचे होंगे 18, ऐसी है 30,000 हमने इशू किए, 8,000 केजी बाकी बचे होंगे, 38,000 टोटल हमारे पास, 30 इशू हो गया, 8,000 क्लोजिंग में आ गया मेरे पास, तो वर्किंग कर लेंगे हम 77,000 को डिवाइड बाय करें 28,000 वैल्यू आएगी, उसको मल्टीप्लाई करें आप जो रेट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करें आप 8,000 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी 22,000 रुपीज, आप प्रॉफिट निकाल लें, ओपनिंग स्टॉक आपने मुझे सही बता दिया 125,000 का ही आएगा, प्रोडक्शन भी सही बता दिया 423,000 आएगी, क्लोजिंग स्टॉक में दो चीजें, एक तो हमारे पास 5875 क्लोजिंग स्टॉक था वो, और एक अभी आपने बताया 22,000, इनको भी ऐड कर लें, माइनस कर लें यहां से, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग करें, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आती, तो 46725 भी कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ठीक है जी, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें प्रॉफिट कितना है, और ये प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट है ना हमारे पास, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग में इसको ट्रांसफर कर देंगे, रिटेन अर्निंग से हम क्रेडिट कर देंगे आप, हमने एक एक चीज देख ली यार इसके अंदर, क्या ख्याल है बेटा, इस सवाल को भी अगर मैं देखूं, हमने एक एक एंट्री इसमें कर ली है यार, आपसे मैंने करवा भी लिए, ये टी अकाउंट्स भी आगे बन जाएंगे आपके पास, ये फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये चीजें आ रही हैं, ये जनरल लेजर में आ रहा है, ये प्रॉफिट भी आपने निकाला, ये टी अकाउंट्स बनेंगे, टी अकाउंट्स को चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप इसके क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन करते, मैंने एक सवाल करवाया भी था आपको बेटा, बाकी सवाल भी करेंगे हो जाएंगे यार, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं आएगा आपको, इसलिए नहीं है क्योंकि एंट्रीज याद करनी मेन चीज ये है, क्रैम थोड़ा याद करना, बाकी सब चीज वही है, एंट्रीज याद करनी, सारे कॉस्ट लो हमने डिस्कस कर लिए, एंट्रीज आप थोड़ी याद कर लें
ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। मैं पास्ट पेपर में देखूंगा, अगर कोई मुझे सवाल ऐसा मिल गया जो मुझे समझता है कि आपके नॉलेज को एनहेंस करना चाहिए, उससे फायदा होगा, तो वो मैं जरूर लाऊंगा। अगर कोई ऐसा सवाल नहीं मिलता तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, तो एंट्रीज हमने इस एग्जाम्पल को बड़ी अच्छी एग्जाम्पल बनाई थी, तो हमने एक एक चीज एक एक लाइन इसकी स्टडी कर ली। तो मैं क्वेश्चन बैंक से भी मैं आपसे कहूंगा, क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दो तीन और हैं, तीन चार और होंगे, वो भी कर लीजिएगा यार, हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, क्योंकि एंट्रीज हमने सारी पढ़ ली है, तो अब हर तरह की हो जाएंगे। एंट्रीज करनी है, उसके बाद लैजर बनाने हैं आपने, तो अब इसमें कोई मसला आपको नहीं आएगा, अब इजिली आप इसको मैनेज कर सकेंगे। क्या ख्याल है? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो जरूर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन बैंक में कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताइएगा, मैं एंट्री भी डिस्कस कर लूंगा, और मैं भी देखूंगा पास्ट पेपर में अभी जाके कि अगर कोई अच्छा ऐसे सवाल निकला है कि मुझे पास्ट में आया हुआ है और मुझे लगता है आपका नॉलेज इनहेंस हो गई, सिंपल एग्जाम्पल की तरह नहीं है, डिफरेंट है, तो मैं जरूर लेके आऊंगा उसको, क्लास में डिस्कस करेंगे, अपनी हैंडबुक में देखूंगा, अगर कोई ऐसा सवाल है जिससे हमें फायदा होता है मैं उसको जरूर करूंगा, अदरवाइज हम नहीं कर लिए। क्या ख्याल है? अब मैं आपकी लास्ट 1.5 आवर लिया करूंगा। कल इंशाल्लाह रिजल्ट है, दो छुट्टियां भी हैं आपको, होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह पास हो जाएगी, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। सैटरडे भी ऑन हो जाएगा बिल्कुल, अब सोनवर सैटरडे भी ऑन है, और हो सकता है मैं सैटरडे को और ज्यादा टाइम लगाया करूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे। कल कितने में रिजल्ट आ जाएगा आपके जनाब? एट व्हाट टाइम नॉर्मली? हो सुबह सुबह अल्लाह। चलें जनाब, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपके साथ हूँ, मुझे बताइएगा रिजल्ट के बारे में, we'll discuss that, और इंशाल्लाह 1.5 आवर देंगे, और मैं टाइमिंग भी ज्यादा लगाऊंगा, पास्ट पेपर में देखूंगा कुछ सवाल ऐसे मिल गए जिससे आपको फायदा होगा, मैं जरूर करवाऊंगा, अदरवाइज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह। एंड यू होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब लोग ये दो दिन के बाद मुझे मिल रहे होंगे, और इंशाल्लाह सब लोग पास होंगे, और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, वेरी सून यू विल बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी द गुड एंड बेस्ट। नहीं अब आज के लिए काफी है, ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे की इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कोई सवाल कोई इशू आपके माइंड में, कोई एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस? दुआएं मेरी बिल्कुल आपके साथ हैं, बहुत ज्यादा दुआएं आपके साथ, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, दुआएं हैं आपके भरपूर दुआएं, यू विल मस्ट कॉल। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू।